हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज मेरी फ़्लाइट है मुंबई से सऊदी के दमाम के लिए। और मैं हूँ अभी ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ से डोमेस्टिक अराइवल और डिपार्चर होती है, और अब मुझे जाना है फर्स्ट फ्लोर पर। इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए फ़र्स्ट फ्लोर पर जाना होगा, तो मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर पर शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ इस तरीके का, ये इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए यहाँ से जाना होता है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, और इसमें बस अभी थोड़े से लाइट ही जल रही है, लेकिन इसमें जितने भी आप ये स्क्वायर दिख रहे हैं ना, वो उसमें सभी में LED लाइटें लगी हुई है। जब सारी लाइटें जलती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में। और अभी मैं इधर रोड के इस साइड खड़ा हूँ, अभी मुझे रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है, और मैंने रोड क्रॉस कर लिया है। अब ये आप सामने से देख रहे होंगे, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट मुंबई का। और ये देखिए अब ये सामने आप देख रहे होंगे, ये येलो कलर का गेट दिख रहा होगा आपको, ये इसी गेट से मुझे एंट्री लेना है एयरपोर्ट के अंदर। तो मैं आ गया हूँ, इधर लाइन में लगा हूँ, और यहाँ से मैं अंदर एंट्री लूँगा। यहाँ देखिए बहुत सारी गेट है, अगर आप एयरपोर्ट के अंदर किसी भी गेट से जा सकते हैं, बस सिक्योरिटी वाले आपसे पहले चेक करेंगे आपका पासपोर्ट, वीज़ा और जो भी और टिकट, वो अगर आपके पास वैलिड टिकट और पासपोर्ट वीज़ा है तो फिर आप अंदर। और ये मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ, अब यहाँ से मुझे चेक इन के लिए काउंटर पर जाना होगा और बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो ये देखिए ये जो पिलर में आपको दिख रहा है EF ऐसा जो लिखा हुआ है लेटर जो भी, वो देखकर मुझे पता करना है कि मेरा जो है वो कौन से काउंटर पर है। तो मैंने पहले ही वो डिस्प्ले पर देख लिया है, मेरे जो फ्लाइट का चेक इन होना है वो K काउंटर पर होना है। तो अब मैं जा रहा हूँ K वाले काउंटर पर, वहाँ से मैं अपना जो लैगेज है वो सबमिट करूँगा और वो बोर्डिंग पास लूँगा, फिर इमिग्रेशन के लिए दूसरे वाले लाइन में जाऊँगा मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ K वाले काउंटर पर, मेरा जो फ्लैट है उसका चेक इन K वाले काउंटर पर होना। और ये क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का भी बहुत सारा डेकोरेशन हुआ हुआ है। और ये मैं आ गया हूँ लाइन में, लगा हूँ K वाले काउंटर पर चेक इन के लिए। और चेक इन कंप्लीट, और बस अब थोड़ा सा अब आपको ये एयरपोर्ट का भी दिखा दूँ सीन कि क्या है कैसा है, थोड़ा एयरपोर्ट का भी वीडियो आपको। और मैं फिर ये दूसरे वाले लाइन में लग गया हूँ, यहाँ से इमिग्रेशन वाली लाइन में, यहाँ से स्टैम्प लगेगा और वो भी कंप्लीट हो गया। और ये थोड़ा ड्यूटी फ्री अंदर एयरपोर्ट के अंदर ये छोटा सा शॉपिंग मॉल होता है, यहाँ आप कुछ भी खरीद सकते हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी और खाने पीने का कुछ भी सामान, परफ्यूम, गोल्ड वॉच, यानी जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। यहाँ बहुत सारा शॉपिंग सेंटर है, बहुत सारा शॉप है यहाँ, और वो भी कंप्लीट हो गया। और ये मैं अब फ्लाइट के लिए लाइन में लगा हूँ, मेरी फ्लाइट जो है वो आके लगी हुई है यहाँ। ये देखिए यहाँ फ्लाइट लगी हुई है इंडिगो, टाइम हो चुका है और हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, एक एक करके अब सब लोग जा रहे हैं। और ये मैं फ्लाइट में आ गया हूँ, और ये बाहर से कुछ इस तरीके का नज़ारा, और ये हमारी एयर होस्टेस, और ये हमारी फ्लाइट रनवे पर रन करने लगी है। और रनवे पर ये हमारी फ्लाइट की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। अब कुछ ही समय में हम लोग फिर हवाओं में होंगे।
और ये हमारे फ्लाइट की रनवे पर कुछ स्पीड बढ़ती हुई, और ये देखिए अब फ्लाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और ये हम लोग आ गए हैं हवाओं में अब, और ऊपर से मुंबई का नज़ारा कुछ इस तरीके का, ये देखिए हम मुंबई जो है ऊपर से कुछ इस तरीके का नाइट में देखने को मिलता है। नाइट में और अब हम लोग 4 घंटे के ट्रेवल के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं ये दमाम, और दमाम सिटी का ऊपर से ये नज़ारा देखिए आप लोग। ये दमाम एयरपोर्ट है, दमाम सिटी। अभी हम लोग दमाम एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेंगे, और ये दमाम सिटी ऊपर से कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। और ये हम लोग पहुँचे चुके हैं दमाम, और ये हमारी फ्लाइट लैंड कर चुकी है दमाम एयरपोर्ट पर, और रनवे पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रन कर रही है। और हमारी फ्लाइट अब स्टॉप होने वाली है, और ये रहा दमाम एयरपोर्ट। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ स्टाफ है यहाँ, इसीलिए अभी रूल रेगुलेशन पता नहीं है मुझे। और ये मैंने करेंसी एक्सचेंज करा लिया है, सऊदी करेंसी। और ये बाहर का सीन, टैक्सी लगी हुई है, अभी हमारी गाड़ी आने वाली है हमें लेकर जाने के लिए। हम लोग बाहर साइड अभी वेट कर रहे हैं।